की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम एनसीआर के कक्षा दसवीं के गेंगे के वास्तविक है संख्याएं, तो पहले हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कक्षा नौ का अध्याय एक संख्या पद्धति ठीक है उसमें भी हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था ठीक है हमारा एक वीडियो कक्षा नौ अध्याय एक के परिचय संख्या पद्धति के परिचय पर भी है आप उसे भी अवश्य देखें उससे आपको ये अध्याय समझने में बहुत आसानी होगी ठीक है तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है परिमय संख्या और अपरिमय संख्या ठीक है तो अब हम परिमय संख्या और अपरिमय संख्या क्या है उनको जान लेते हैं परिमय संख्या अंग्रेजी में दोस्तों इसे रेशनल नंबर भी कहते हैं ठीक है तो संख्या आर को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो जहां पर पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू का मान शून्य नहीं है ठीक है तो एक ऐसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं ठीक है और पी और क्यू क्या है पूर्णांक है पूर्णांक जैसे कि पांच सात आठ इत्यादि पूर्णांक के बारे में भी अभी हम आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है तो पी और क्यू पूर्णांक है पूर्णांक क्या होता है वो हम दोबारा से हम देखेंगे इस वीडियो में ठीक है पर अगर किसी संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो तो ऐसी संख्या कहलाती है हमारी परिमेय संख्या ठीक है अब परिमेय संख्या गुण देख लेते हैं कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत होता है तो अशांत आवर्ती होता है ठीक है तो अगर हम p बटा q से q से भाग दे दें p को ठीक है तो वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा या तो वो शांत होगा खत्म हो जाएगा कहीं पर और अगर अशांत होगा तो आवर्ती होगा ठीक है आवर्ती मतलब कि एक बार बार अपने आप को वो वो है रिपीट करेगा ठीक है बार बार अपने आप को दोहराएगा वो ठीक है तो इसको भी हम आगे देखेंगे कि शांत और आवर्ती क्या होता है अशांत आवर्ती क्या होता है ठीक है तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम परिमेय संख्या के जैसे कि दो बटा सात माइनस सात बटा नौ एक बटा तीन ठीक है माइनस पच्चीस बटा एक ठीक है आप कहेंगे इसको तो माइनस पच्चीस भी लिख सकते हैं ठीक है लेकिन परिमेय संख्या की परिभाषा के हिसाब से p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो तो बटे में हमने एक कर दिया आठ बटे चार इसको भी आप बोल सकते हैं कि दो है ठीक है बिल्कुल सही बात है लेकिन परिमेय संख्या के लिए इसे हमने पी बटे क्यू के रूप में लिख दिया ठीक है इत्यादि इत्यादि ये सब उदाहरण है हमारे परिमेय संख्या के क्योंकि इन सब संख्याओं को हमने p बटे क्यू के रूप में लिखा है जहां पर p और q पूर्णांक हैं और q का मान शून्य नहीं है जो संख्या परिमय नहीं होंगी वो संख्या क्या होंगी अपरिमय संख्या है, ठीक है अंग्रेजी में कहेंगे इरेशनल नंबर ठीक है तो जो भी संख्या परिमय संख्या नहीं है वो होती है अपरिमय संख्या अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं संख्या एस को अपरिमय संख्या कहा जाता है यदि इसे पी बटे क्यू के रूप में ना लिख सकें ठीक है जहां पर पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू का मान शून्य नहीं है ठीक है तो कोई भी संख्या है जैसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते तो वो संख्या क्या, क्या कहलाती है हमारी अपरिमेय संख्या ठीक है कुछ उदाहरण देख लेते हैं जैसे कि अंडर रूट दो अंडर रूट तीन अंडर रूट पांच ठीक है इत्यादि पाई ठीक है तो इन सबको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है अंडर अंडरऊ दो रूट तीन अंडर रूट पांच का तो आपको पता है पर पाई के लिए आप कहेंगे कि इसको तो हम बाईस बटे साथ लिख सकते हैं पर दोस्तों हमेशा के लिए याद रख लो पाई का जो शुद्ध मान है वो बाइस बटे साथ भी नहीं है ठीक है हम बस अपनी सुविधा के लिए प्रश्नों को हल करने के लिए बाईस बटे साथ ले लेते हैं इसलिए पाई हमारी अपरिमेय संख्या है पाई का मान शुद्ध मान बाईस बटे साथ नहीं है ठीक है पाई का शुद्ध मान आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ है ठीक है हम अपनी सुविधा के लिए बाईस बटे साथ ले लेते हैं और जब इसको लोग हल करते हैं तो तीन दशमलव एक चार इत्यादि प्राप्त होता है तो आप याद रखिए पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है और अनावर्ती होता है ठीक है दशमलव प्रसार कैसे कहते हैं जैसे कोई संख्या जैसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं या लिखते हैं ठीक है तो जब हम क्यू से भाग देंगे जब हम उसे दशमलव के रूप में लिखेंगे किसी भी संख्या को ठीक है तो अपरिमय संख्या के लिए वो जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा अशांत का मतलब क्या है कि अनंत तक जाएगा ठीक है वो तो परिमय संख्या का भी होता था ठीक है परिमय संख्या का या तो शांत होता था या अशांत आवर्ती होता था पर अपरिमय हो हो अनावर्ती, हो अनावर्ती होता है वो अपरिमय संख्या होती है ठीक है ये भी एक परिभाषा हो गई हमारी अपरिमय संख्या की ठीक है उदाहरण हमने फिर से वही लिख दिया अंडर रूट दो अंडर रूट तीन अंडर रूट पांच और पाई तो दोस्तों परिमय संख्या के बारे में तो इतना ही पढ़ेंगे हम ठीक है लेकिन परिमेय संख्या जो है उसको दशमलव प्रसार के आधार पर तीन भागों में बांट देते हैं हम ठीक है या तो परिमेय संख्या जो है पूर्णांक होगी मतलब उसका दशमलव के बाद जो है कोई अंक उसमें नहीं होगा पूर्णांक होगी या उसका दशमलव प्रसार शांत होगा ठीक है या उसका दशमलव प्रसार अशांत या अनुसानी बोलते हैं अशांत होगा तो आवर्ती होगा ठीक है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ठीक है अनुसानी आवर्ती मतलब अशांत आवर्ती होगा ठीक है तो परिमेय संख्या या तो पूर्णांक होगी या उसका दशमलव प्रसार शांत होगा और अगर उसका दशमलव प्रसार अशांत है तो वो आवर्ती होगा ठीक है अपने आप को दोहराएगा तो दोस्तों परिमेय संख्या का पहला प्रकार था पूर्णांक ठीक है तो दोस्तों जैसे कि इसके नाम में ही निहित है पूर्णांक का संधि विच्छेद क्या होगा पूर्ण प्लस अंक पूर्ण धन अंक ठीक है पूर्ण का मतलब होता है पूरा यानी कि पूरा अंक जो पूरा अंक होगा वो कहलाएगा पूर्णांक पूरा अंक मतलब जिसमें कोई दशमलव के बाद कुछ नहीं होगा ठीक है उदाहरण देख लेते हैं हम जैसे कि माइनस पांच माइनस चार माइनस तीन माइनस दो माइनस एक शून्य एक दो तीन चार पांच इत्यादि इत्यादि इनमें दशमलव के बाद कुछ भी नहीं है ये सब क्या हमारे पूर्णांक है पूरे अंक है ठीक है इनको ऐसे भी लिख सकते हैं हम माइनस पांच दशमलव जीरो माइनस चार दशमलव जीरो जीरो दशमलव जीरो एक दशमलव जीरो ये सब क्या हमारे पूर्णांक है क्योंकि इसमें दशमलव के बाद सिर्फ शून्य आता है ठीक है और कुछ नहीं आता है ठीक है तो इस तरह के अंक जो पूरे अंक हैं जिसमें दशमलव के बाद कुछ नहीं आता सिर्फ शून्य आता है ऐसे अंकों को हम कहते हैं पूर्णांक ऐसी परिमय संख्या को हम कहते हैं पूर्णांक तो दोस्तों परिमय संख्या अगर हमारी पूर्णांक नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार होगा तो वो दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत होगा तो अगर दशमलव प्रसार शांत है ठीक है तो उसे कहते हैं हम शांत ठीक है तो संख्या पी बटा क्यू यानी कि परिमय संख्या कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है ठीक है हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं ठीक है कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं जैसे कि नौ बटे चार है परिमय संख्या पी वटा क्यू के रूप में लिखिए इसको हम जब भाग देंगे चार का नौ में तो हमें प्राप्त होगा दो दशमलव दो पांच ठीक है उसके बाद शून्य शून्य आना शुरू हो जाएगा इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया शांत हो गया ठीक है खत्म हो गया ठीक है अंग्रेजी में टर्मिनेट कहते हैं खत्म होना और हिंदी में कहते हैं शांत शांत हो गया उसके बाद कोई दशमलव के अंक नहीं आ रहे हैं ठीक है तो ऐसी परिमेय संख्या को कहते हैं हम दशमलव शांत ठीक है ऐसी परिमेय संख्या कहलाती है हमारी शांत दशमलव ठीक है दूसरा उदाहरण ले लेते ले ले हैं पच्चीस बटे आठ आठ में पच्चीस का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा तीन दशमलव एक दो तो पांच उसके बाद शून्य शून्य आना शुरू हो जाएगा ठीक है तो ऐसी परिमेय संख्याओं को हम क्या कहते हैं शांत दशमलव ठीक है क्योंकि दशमलव के कुछ अंकों के बाद वो शांत हो जाती है उसमें शून्य शून्य आना शुरू हो जाता है दोस्तों तो अगर कोई परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है शांत दशमलव नहीं है तो वो आवश्यक रूप से अनुसानी आवर्ती होगी अशांत आवर्ती होगी ठीक है इसकी परिभाषा देख लेते हैं संख्या पी बटा की कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है जिसमें दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है दूसरे शब्दों में हमें भागफल के अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है तब हम यह कहते हैं कि यह प्रसार अशन, अशांत आवर्ती है, ठीक है तो पीव जब भाग देते हैं तो कुछ चरणों के बाद जो है शेषफल की पुनरावृत्ति होने लगती है ठीक है वो कभी खत्म नहीं होता लेकिन पुनरावृत्ति होने लगती है तो ऐसे दशमलव प्रसार को कहते हैं हम अशांत आवर्ती, ठीक है आवर, आवर्ती का मतलब होता है बार बार उसका होना ठीक है रिपीट करना एक बार बार कुछ उदाहरण ले लेते हैं जैसे एक बटा तीन है तीन में एक का भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है जीरो दशमलव तीन 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 मतलब की तीन बार बार जो है रिपीट हो रहा है तो ये क्या है हमारा अशांत आवर्ती है क्योंकि आव... अशांत क्यों है क्योंकि कभी खत्म नहीं हो रहा आवर्ती क्यों है क्योंकि क्यों 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 तीन जो है बार बार रिपीट हो रहा है बार बार दोहराया जा रहा है उसी प्रकार अगर हम एक बटा सात देखें तो हमें मिलेगा जीरो दशमलव एक चार दो आठ पांच सात फिर एक चार दो आठ पांच सात फिर एक चार दो आठ पांच सात ठीक है इस तरह चलता ही रहेगा इसका मतलब ये जीरो दशमलव एक चार दो आठ पांच सात अपने आप को दोहरा रहा है बार बार अपने आप को दोहरा रहा है ठीक है और ये कभी खत्म नहीं हो रहा कभी खत्म नहीं हो रहा तो अशांत है ठीक है अपने आप को दोहरा रहा है तो आवर्ती है ठीक है तो इस तरह की परिमय संख्या को हम बोलते हैं अशांत आवर्ती ठीक है जो अपने आप को दोहराए और कभी भी खत्म ना हो ठीक है जो अपरिमेय संख्या होती है वो भी अशांत होती है पर वो अपने आप को दोहराती नहीं है वो आवर्ती नहीं होती है वो ठीक है जैसा कि हमने पूर्णांक के बारे में पढ़ा था जो पूरे अंक है ठीक है पूरा अंक है जिसमें दशमलव के बाद कुछ भी नहीं आता वो पूर्णांक कहलाता है तो पूर्णांक भी जो है हमारे दो भागों में विभाजित होता है दो प्रकार का होता है या तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा या पूर्ण संख्या होगी ठीक है तो हम दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में भी और पूर्ण संख्या के बारे में भी ऋणात्मक पूर्णांक जैसे कि दोस्तों नाम में ही निहित है ऐसा पूर्णांक जो ऋणात्मक हो ठीक है मतलब कि ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव हो माइनस वाला हो ठीक है जिसमें ऋण का चिन्ह हो ठीक है तो ऐसे पूर्णांक जिनमें ऋण का चिन्ह है मतलब जो जीरो से छोटे हैं वो, वो सारे पूर्णांक क्या कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक ऐसे पूर्णांक जो शून्य से छोटे हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं उदाहरण माइनस आठ माइनस सात माइनस छ माइनस पांच माइनस चार माइनस तीन माइनस दो और माइनस एक ये सभी पूर्णांक क्या है हमारे ऋणात्मक पूर्णांक है तो जैसा कि हमने देखा था पूर्णांक जो है या तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा या पूर्ण संख्या होगी ठीक है अब पूर्ण संख्या क्या होती है वो हम देख लेते हैं पूर्ण संख्या होती है हमारी या तो धनात्मक पूर्णांक या फिर शून्य ठीक है शून्य होगा या धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक के बारे में भी अभी हम देखेंगे पर जैसा कि नाम में ही है ऐसा पूर्णांक जो कि धनात्मक है ठीक है धनात्मक मतलब पॉजिटिव मतलब कि धन के चिन्ह वाला ठीक है जो जो पूर्णांक धनात्मक है ठीक है वो पूर्णांक पूर्णांकलाता है धनात्मक जो शून्य से बड़े हैं ठीक है तो सारे पूर्णांक जो शून्य से बड़े हैं और शून्य ये सब मिलके बनाते हैं हमारी पूर्ण संख्या ठीक है तो ये परिभाषा याद रखिएगा आपको भविष्य में काम आएगी तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने जाना ये जो पूर्ण संख्या है हमारी पूर्ण संख्या ये किस किस से मिलके बनी होती है दो चीजों से या तो शून्य होता है इसमें या धनात्मक पूर्णांक होता है ठीक है अब दोस्तों धनात्मक पूर्णांक को ही हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं तो ये हमेशा के लिए याद कर लो अपने जिंदगी भर के लिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है धनात्मक पूर्णांक अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं तो अगर कोई नेचुरल नेचुरल मतलब प्राकृतिक ठीक है नेचर मतलब होता है प्रकृति नेचुरल मतलब प्राकृत ठीक तो है तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्या क्या होती है हमारी धनात्मक पूर्णांक ठीक है तो ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए तो दोस्तों शून्य तो शून्य ही होगा ठीक है शून्य मतलब कि शून्य जीरो जिसे अंग्रेजी में जीरो कहते हैं ठीक है एक अंक है ठीक है जि जिसकी बाई तरफ जो है ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं ठीक है तो शून्य होता है हमारा जैसे अंग्रेजी में जीरो कहते हैं संख्या या धनात्मक तो दोस्तों जैसे हमने ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में पढ़ा था ऐसे पूर्णांक जिनके आगे ऋण का चिन्ह लगा होगा ठीक है या जो शून्य से छोटे होंगे ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं तो उसी प्रकार धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे ऐसे पूर्णांक जिनके आगे धन का चिन्ह लगा होगा पर धन का चिन्ह हम लगाते नहीं है ठीक है तो ऐसे पूर्णांक जो शून्य से बड़े होंगे और जो पूर्णांक होंगे वो कहलाएंगे हमारे धनात्मक पूर्णांक ठीक है और इनको हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं जो उनका दूसरा नाम है प्राकृत संख्या ठीक है जैसे कि आप लोगों के भी दो नाम होते हैं ठीक है घर का नाम ठीक है और एक कच्चा का नाम विद्यालय में नाम ठीक है जैसे घर का नाम आपका हो सकता है टिल्लू ठीक है बिल्लू कुछ भी ठीक है और आपका आपके जो विद्यालय है उसमें आपका नाम कुछ और हो सकता हो सकता है जैसे कि पंकज मनोज आशीष इत्यादि ठीक है तो उसी प्रकार इनके भी नाम दो दो नाम है जैसे प्राकृत संख्याएं और धनात्मक पूर्णांक ठीक है तो प्राकृत संख्याओं ही जो है वो धनात्मक पूर्णांक होती हैं कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम जैसे कि एक दो तीन चार पांच छह सात आठ इत्यादि इत्यादि ये सब हमारे धनात्मक पूर्णांक या प्राकृत संख्याओं के उदाहरण है दोस्तों दोस्तों अभी तक हमने ये देखा कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो या तो परिमेय होंगी या अपरिमेय होंगी ठीक है परिमेय संख्या वो होगी जिसे पीबटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या वो होगी जिसे बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते ठीक है अपरिमेय संख्या तीन प्रकार की होंगी या तो वो पूर्णांक होंगी ठीक है पूरे अंक होंगे दशमलव के बाद कुछ भी नहीं होगा और अगर दशमलव के बाद कुछ होगा तो या तो वो शांत होगा मतलब कुछ अंकों के बाद जो है उसमें भी शून्य आना शुरू हो जाएगा और अगर वो कुछ अंकों के बाद शून्य आना शुरू नहीं होता है तो वो अशांत या अनुसानी आवर्ती होगा ठीक है आवर्ती मतलब इ... अपने आप को बार बार जो है वो दोहराएगा ठीक है और जो अपरिमी संख्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था वो अशांत अनावर्ती होती है ठीक है अशांत भी होती है मतलब कि दशमलव के बाद वो अंक रुकते नहीं है और अपने आप को दोहराते भी नहीं है ठीक है पूर्णांक भी दो तरह के होते हैं हमारे ऋणात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या ठीक है ऋणात्मक पूर्णांक हमने पढ़ा है जो पूर्णांक ऋण के साथ है ऋण के चिन्ह के साथ ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या होती है या तो वो शून्य होगा या धनात्मक पूर्णांक होगा ठीक है धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं दोस्तों इस अध्याय में हम प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे प्रमेयिका किसे कहते हैं ठीक है अंग्रेजी में इसे लेमा कहते हैं ठीक है तो दोस्तों प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है ठीक है इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं ठीक है तो प्रमेय का पहले से ही सिद्ध किया हुआ एक कथन है ठीक है तो ये प्रमेय से थोड़ा सा अलग होता है ठीक है प्रमेय को हम हमेशा सिद्ध करते हैं ठीक है लेकिन प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है ठीक है ये एक कथन होता है जो पहले से सिद्ध किया हुआ है ठीक है और हम इस कथन को ठीक है अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं तो ये होती है प्रमे का की परिभाषा ठीक है प्रमे का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं दोस्तों अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में अभी हमने जाना था प्रमेयिका किसे कहते हैं जो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है है ठीक eyes? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम पढ़ेंगे इसे आपके अध्याय में अध्याय एक में प्रमेय एक दशमलव एक के रूप में दिया हुआ है ठीक है तो यही आपकी प्रमेय एक दशमलव एक है ठीक है क्या कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या की यू विद्यमान है ठीक है ठीके? तो दो धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है ए और बी और ऐसी अद्वितीय अद्वितीय मतलब यूनिक होता है अंग्रेजी में ठीक है मतलब कि उनके ऐसा कोई और नहीं होगा क्यू आर जो है यो यूनिक होंगी अद्वितीय होंगी ठीक है तो ए और बी में क्या रिलेशन है क्या संबंध है ए बराबर बी क्यू होता है ठीक है जहां पर जो आर है वो बी से छोटा है परंतु शून्य के बराबर भी हो सकता है शून्य भी हो सकता है वो और शून्य से बड़ा भी हो सकता है ठीक है जो आर है ठीक है तो वो शून्य से बड़ा भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है परंतु वो बी से निश्चित रूप से छोटा होगा ठीक है तो ये कैसे आता है इसको अब हम समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका किसे कहते हैं ए बराबर बी क्यू धन आर जहां पर आर जो है शून्य या शून्य से बड़ा है और परंतु बी से छोटा है तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे आया तो दोस्तों हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझ लेते हैं ठीक है आप लोग दोस्तों जानते ही हो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल ठीक है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम जैसे कि मान लेते हैं हमें ए बटा बी दिया हुआ उन्नीस बटे पंद्रह ठीक है तो अब हम उन्नीस में पांच का भाग देके देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमको ठीक है तो हमने ये बना लिया अब उन्नीस में हम किसका भाग देंगे पांच का तो ठीक है तो उन्नीस में पांच का भाग देंगे तो कितनी बार जा सकता है तीन बार पांच पंद्रह ठीक है तो यहाँ हमने लिख दिया तीन और यहाँ लिख दिया पंद्रह अब उन्नीस में से पंद्रह को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा चार तो अब हम इन संख्याओं को हैं इनका नाम क्या है ठीक है जिसमें हमने भाग दिया था ठीक है बड़ी संख्या जो ऊपर थी ठीक है उसे हम कहते हैं भाज्य ठीक है जिसमें हम भाग देते हैं वो होती है हमारी भाज्य ठीक है उसे यहाँ मान लिया हमने ए ठीक है और जिससे हमने भाग दिया था ठीक है वो होता है भाजक ठीक है जिससे भाग देते हैं जो नीचे होती है बटे में वो होता है भाजक ठीक है जो ऊपर होता है वो होता है भाज्य जो नीचे होता है वो होता है भाजक ठीक है और भाग देने के बाद जो हमें मिला ठीक है भाग फल ठीक है तो भाग देने के बाद जो फल मिला वो क्या कहलाता है भाग फल ठीक है उसे हमने दर्शा दिया क्यू से ठीक है जितनी बार अधिकतर बार भाग गया वो कहलाता है भाग भाग देने के बाद जो फल प्राप्त हुआ वो हो गया भाग फल ठीक है और जो बच गया वो क्या है रह गया शेष तो इसको शेष को क्या कह देंगे हम शेष फल ठीक है जो बच गया वो हो गया हमारा शेष फल ठीक है आर ठीक है अब हम इसको देख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे भाज्य जो है वो किसके बराबर होगा भाजक गुणा भागफल धन शेष फल ठीक है अब आप यहाँ पर देखिए उन्नीस किसके बराबर होगा पांच गुणा तीन धन चार यही होगा पांच गुणा तीन पंद्रह धन चार उन्नीस ठीक है तो उन्नीस आ जाएगा हमारा उन्नीस बराबर पांच गुणा तीन धन चार ठीक है तो यानी कि भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणा भागफल धन शेष फल ठीक है भाज्य को लिखा था हमने ए ठीक है भाजक को लिखा था बी भागफल को क्यू और शेषफल को आर तो ए बराबर हो गया हमारा बी क्यू धन आर ठीक है तो कोई भी संख्या है कोई भी परिमेय संख्या को हम ए बटा बी के रूप में या पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं ठीक है तो फिर जब हमने ए बटा बी के रूप में लिख दिया ठीक है तो ए हमारा क्या हो जाएगा बी क्यू धन आर ठीक है जहां पर क्यू क्या है हमारा भागफल है और आर क्या है शेषफल है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का के अनुसार जो शेषफल है हमारा आर वो जो है वो बी से छोटा होगा और q और जो है शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा ठीक है पर परंतु b से छोटा होगा। तो यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है हम किसी भी अंक को ठीक है इस इस रूप में लिख सकते हैं A बराबर बी क्यू धन आर ठीक है किसी भी अंक को हम इस प्रकार लिख सकते हैं यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दोस्तों एल्गोरिदम ठीक है हम जानते हैं एल्गोरिदम जो है अंग्रेजी का ही शब्द है ठीक है इसको बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर पे जो काम करते हैं उन जो कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाते हैं ठीक है ठीके? जो सॉफ्टवेयर में काम करते हैं वो लोग एल्गोरिथम का बहुत इस्तेमाल करते हैं ठीक है ठीके? तो एल्गोरिथम होती क्या है ठीक है हिंदी में हम इसे बोलते हैं कलन विधि ठीक है तो एल्गोरिथम या कलन विधि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है मतलब चरणों की एक श्रृंखला है और वो श्रृंखला क्या सुपरिभाषित है मतलब बहुत अच्छे से परिभाषित है वो चरणों की श्रृंखला जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है ठीक है वो जो चरण चरणों की श्रृंखला होती है वो एक प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि हमें प्रदान करती है ठीक है तो ये जो एलगोरिथम है इनको जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कंप्यूटर पर काम करते हैं वो लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो जैसे कि इसमें क्या होगा चरण एक होगा चरण दो होगा चरण तीन चरण चार कितने भी चरण हो सकते हैं पर ये चरण क्या होंगे सुपरिभाषित होंगे ठीक है और जो ये जो चरण होंगे वो क्या करेंगे एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करेंगे ठीक है अब जैसे कि इसको उदाहरण समझ लीजिए जैसे कि एक एल्गोरिथम है ठीक है आपको क्रिकेट खेलने जाना है बाहर दोस्तों के साथ ठीक है पर आपको पता नहीं है कि दोस्त कोई खेल रहा है कि नहीं ठीक है तो आप क्या करते हैं आप अपने घर से निकलते हैं ठीक है मैदान में जाते हैं ठीक है अगर कोई दोस्त खेल रहा होता है तो आप भी खेलने लग जाते हैं अगर कोई दोस्त नहीं खेल रहा होता तो आप घर वापस आ जाते हैं ठीक है तो ये क्या है ये चरण है ठीक है कि अगर कोई दोस्त खेल रहा है तो आप भी खेलने लग जाओगे उसके साथ और नहीं खेल रहा है तो आप वापस आ जाओगे ठीक है तो इस तरह के बहुत से उदाहरण है ठीक है तो ये जो एल्गोरिथम शब्द है इसका इस्तेमाल हम इस अध्याय में करने वाले हैं हिंदी में इसे कलन विधि भी कहते हैं और ये क्या है शुभपरिभाषिक चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि हमें प्रदान करती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है दोस्तों तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो दो धनात्मक पूर्णांकों का एस परिकलित करने की एक तकनीक है ठीक है मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम दो धनात्मक पूर्णांकों का एस ज्ञात करते हैं ठीक है ठीक है इस विधि के द्वारा जो है हम दो धनात्मक पूर्णांकों का एस ज्ञात करते हैं किस विधि के द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ठीक है दोस्तों आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों जैसे कि ए और बी का जो एस है वो वहां सबसे बड़ा पूर्णांक डी होता है जो ए और बी दोनों को पूर्णतः पूरी तरह विभाजित कर देता है ठीक है अभी हम एस के बारे में और आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में ठीक है दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि को यूक्लिड विभाजन पर आधारित है जो यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारी इसमें हम यूक्लिड विभाजन काल्गोरिथम भी कह देते हैं ठीक है परंतु सत्य तो यह है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हैं ठीक है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का उपयोग किया जाता है कहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में और यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग हम कहा करते हैं दो धनात्मक पूर्णांकों का एस ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ठीक है दोस्तों ये एल्गोरिथम है इसका मतलब ये क्या है शुभ परिभाषित चरणों की श्रृंखला होगी और इससे जो है हम किसी समस्या का हल निकाल लेंगे ठीक है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमें क्या निकालते हैं दो धनात्मक पूर्णांकों का एससीएफ निकालते हैं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या हो गया दो धनात्मक पूर्णांकों का एससीएफ निकालने का एक चरणबद्ध श्रृंखला हो गई ठीक है चरणों की सुपरिभाषित श्रंखला हो गई ठीक है तो इसमें चरण होंगे ठीक है जिनके द्वारा हम दो धनात्मक पूर्णांकों का एस ज्ञात करेंगे ठीक है तो मान लेते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी है जिसमें सी बड़ा है और डी छोटा है उसका हमें एस ज्ञात करना है ठीक है तो हमें जो नीचे चरण दिए उनका अनुसरण करना होगा ठीक है चरण एक सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ठीक है अलगोरिदम नहीं प्रमेय का प्रयोग करेंगे ठीक है और हम ऐसे क्यूर आर ज्ञात करेंगे कि जो C बराबर डी क्यू धन आर आ जाए हमारा ठीक है ठीक है तो C बड़ा है और डी छोटा यहाँ पर R जो है हमारा D से छोटा होगा और शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा ठीक है R क्या होता है हमारा शेषफल होता है क्यू क्या होता है हमारा भागफल होता है ठीक है तो चरण दो में अब अब हम देखेंगे चरण एक को करने के बाद क्या हमें आर शून्य प्राप्त हो रहा है अगर हमें यहाँ पर आर शून्य प्राप्त होता है तो डी ही क्या होगा हमारा सी और डी का एस होगा तो जो डी है वही सी और डी का एस होगा परंतु यदि आर जो शेषफल है वो शून्य नहीं है तो फिर हम डी और आर के लिए ठीक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्र का प्रयोग करेंगे ठीक है चरण एक में हमने किसके लिए किया था सी और डी के लिए लेकिन चरण दो में यदि आर शून्य नहीं मिलता है तो फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किसके लिए करेंगे डी और आर के लिए अब आप देखिए यहाँ पर डी बड़ा होगा और आर छोटा होगा ठीक है इस तरह से हम अपने चरणों को करते जाएंगे कब तक करेंगे जब तक करेंगे जब तक इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे जब तक हमें शेषफल आर शून्य ना प्राप्त हो जाए और जब हमें शेषफल आर शून्य प्राप्त हो जाता है तो इसी स्थिति में जो भाजक प्राप्त होता है वही हमारा वांछित एस सी एफ होता है ठीक है जब हमें शेषफल शून्य मिल जाता है ठीक है उस स्थिति में जो भाजक होता है ठीक है जिससे हम भाग देते हैं ठीक है वही हमारा क्या होता है वांछित एच सी एफ होता है ठीक है तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ठीक है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित सवालों को हम प्रश्नावली एक दशमलव एक में हल करेंगे वहां से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अच्छे से समझ में आ जाएगी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ठीक है दोस्तों ये हमारे अध्याय की प्रमेय एक दशमलव दो भी है ठीक है ये प्रमेय क्या कहती है प्रत्येक भाज्य संख्या को भाज्य संख्या मतलब जिस संख्या में भाग जा सकता है ठीक है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ठीक है तो कोई भी भाज्य संख्या है उसको हम सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं मतलब उसके जो गुणनफल होंगे वो सिर्फ अभाज्य संख्याएं होंगी ठीक है ये कहती है हमारी प्रमेय एक दशमलव दो या अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ठीक है तथा क्या कहती है यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा ठीक है अगर हम उसके क्रम को छोड़ दें तो ये अद्वितीय गुणनखंड होंगे हमारे ठीक है इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं ठीक है जैसे कि तीन हजार आठ सौ पच्चीस संख्या है ठीक है अब हम इसके देख लेते हैं क्या गुणनखंड हमें मिलते हैं तो तीन हजार आठ सौ पच्चीस में हम किसका भाग दें तीन का क्यों क्योंकि अगर हम इसको जोड़ें तीन और आठ ग्यारह ग्यारह और दो तेरह और पांच अठारह अठारह में तीन का भाग जाता है ठीक है तो इसमें तीन का भाग जाएगा ठीक है तीन का भाग जाएगा तो हमें कितना मिलेगा बारह सौ पिछहत्तर ठीक है तीन का भाग दीजिए एक मिलेगा आठ में तीन का भाग देंगे दो मिलेगा आठ में फिर क्या बच जाएगा दो शेषफल तो दो और दो बाईस हो जाएगा बाईस में तीन का भाग देंगे तो सात मिलेगा एक शेषफल बचेगा ठीक है तो एक और पांच में तीन का भाग देंगे तो पांच मिलेगा अब ये फिर देखिए इनको जोड़ते हैं एक और दो तीन तीन और सात तीन और सात हमारा होता है दस दस और पांच पंद्रह इस पंद्रह में तीन का भाग जाता है तो यहां पर भी तीन का भाग चला जाएगा ठीक है और ती चौक बारह ठीक है तो चार आ जाएगा ठीक है फिर तीन दुनी छ आ गया एक बचा एक और पांच पंद्रह पांच पंद्रह ठीक है आ गया अब इसमें देखिए किसका भाग जा सकता है अभाज्य संख्या ही देखनी है हमें ठीक है भाज्य नहीं देखनी अभाज्य ही देखनी है ठीक है चार और दो और पांच ग्यारह तीन का तो नहीं जाएगा चार तो भाज्य संख्या है पांच का जाएगा क्योंकि अंत में पांच आ रहा है ठीक है तो पांच से भाग दे लेते हैं ठीक है अड़पंज चालीस तो आठ आ जाएगा ठीक है दो बचेगा और पांच बचेगा पचम पच्चीस तो यहाँ पांच आ गया ठीक है अब इसमें पांच आ रहा है आखिरी में तो इसमें फिर से पांच का भाग चला जाएगा तो पांच का भाग दे देंगे ठीक है तो पांच एकम पांच तीन बचेगा और पांच पैंतीस पाँच सत्तर पैंतीस तो सत्रह आ गया ठीक है अब सत्रह हम जानते हैं जो है सत्रह में किसी का भी भाग नहीं जाता सत्रह ही अभाज्य संख्या है तो यहाँ सत्रह से ही भाग देना पड़ेगा तो हमें एक मिलेगा तो ये हमारे गुणनखंड आगे तीन हजार आठ सौ पच्चीस के ठीक है ये गुणनखंड आ गए तो हमने लिख दिया तीन हजार आठ सौ पच्चीस को तीन गुणा तीन गुणा पांच गुणा पांच गुणा सत्रह ठीक है अब आप देखिए तीन तीन पांच पांच सत्रह ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं ठीक है इसको और हल कर लेते हैं तीन गुणा तीन है तो तीन की घाट दो पांच गुणा पांच है तो पांच ही दो और सत्रह तो एक ही है बार लिखा है तो सत्रह अब आप देखिए जो इसके गुणनखंड आ रहे हैं एक भाज्य संख्या के वो किस रूप में आ रहे हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में ठीक है तो यही कहती है हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो आपकी प्रमेय एक दशमलव दो है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है महत्तम समापवर्तक अंग्रेजी में कहते हैं एच सी एफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है HCF factor, तो एच सी एफ कैसे निकालना है दोस्तों या HCF क्या होता है ये हम जान लेते हैं ठीक है दो धनात्मक पूर्णांक A और बी का महत्तम समावर्तक एस सी एफ वहाँ सबसे बड़ी पूर्णांक होता है जो A और बी दोनों को पूर्णता विभाजित कर देता है ठीक है तो ए और बी का एस सी एफ निकालना है तो ए और बी का एस सी एफ क्या होगा वो संख्या वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो ए और बी दोनों को पूरी तरह विभाजित कर दे यानी कि कुछ भी शेषफल ना बचे ठीक है तो ये कैसे निकालते हैं हम संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ ठीक है जो संख्या है उनका गुणनखंड करेंगे और उन गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होंगे उसकी जो सबसे छोटी घात होगी उसका जो गुणनफल होगा वही संख्याओं का एच होगा उदाहरण से एक समझ लेते हैं इसको जैसे कि अगर हमसे कहा जाए 510 और बानवे का एस निकालिए तो हम पहले 510 के गुणनखंड कर लेंगे ठीक है 510 में दो का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 255 255 में हम तीन का भाग देंगे तो हमें मिलेगा पिचासी पिचासी में हम 5 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा सत्रह सत्रह में तो हमें सत्रह का ही भाग देना है तो हमें मिलेगा एक तो हमें 510 सौ दस के गुणनखंड मिल गए दो तीन पांच सत्रह तो हमने लिख दिया 510 सौ दस बराबर दो गुणा तीन गुणा पांच गुणा सत्रह अब हम बानवे के गुणनखंड निकाल लेते हैं ठीक है दूसरी संख्या के बानवे में दो का भाग देंगे तो हमें मिलेगा छियालीस छियालीस में दो का भाग देंगे तो हमें मिलेगा तेईस तेईस में तेईस का ही भाग देना पड़ेगा तो हमें मिलेगा एक ठीक है तो बानवे के गुणनखंड हो गए दो गुणा दो गुणा तेईस ठीक है तो हम लिख देंगे बानवे बराबर दो गुणा दो गुणा तेईस ठीक है अब दो गुणा दो को क्या लिख देंगे दो की घात दो तो बानवे हो जाएगा दो की घात दो गुणा तेईस ठीक है अब आप देखिए एस सी एफ क्या होता है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात अब इनमें देखते हैं कि उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ मतलब कॉमन कॉमन कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड है ठीक है तो इसमें दो है बानवे में पांच सौ तो दस में भी दो है ठीक है अब इसकी सबसे छोटी घात क्या है पांच सौ दस में दो की घात एक है और बानवे में दो की घात दो है तो हमें लेना उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात यानी कि दो ले लेंगे ठीक है फिर देखिए फिर कुछ कॉमन आ रहा है उभयनिष्ठ आ रहा है तीन पांच सौ दस में है पर बानवे में नहीं है पांच पांच सौ दस में है पर बानवे में नहीं है सत्रह पांच सौ दस में है पर बानवे में नहीं है और जो तेईस है जो बानवे में है वो पांच सौ दस में नहीं है तो और भी और कुछ उभयनिष्ठ या कॉमन नहीं आ रहा है तो हमारा सिर्फ क्या होगा उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात यानी कि यहाँ पर दो जो है वो उभयनिष्ठ है ठीक है दोनों में और उसकी छोटी घात क्या है एक यानी कि दो तो हमारा एस आ गया दो एस के बाद दोस्तों हम पढ़ लेते हैं एलसीएम के बारे में एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक ठीक है, है तो दो धनात्मक पूर्णांक और बी का एलसीएम उस सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या को कहते हैं जो ए और बी दोनों से पूर्णता विभाजित हो जाए ठीक है एस में सबसे बड़ी वो संख्या हम ढूंढ रहे थे जो ए और बी दोनों को विभाजित कर दे और एलसीएम में हम सबसे छोटी संख्या को ढूंढ रहे हैं जो, जो जिससे जो ए और बी दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए ठीक है ए से विभाजित हो जाए और बी से भी विभाजित हो जाए ऐसी सबसे छोटी संख्या ठीक है तो इसको कैसे निकालते हैं संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल ठीक है अब यहाँ पे देखिए उभयनिष्ठ शब्द नहीं है ठीक है सभी अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे बड़ी घात का गुणनफल होगा वही उन संख्याओं का एलसीएम होगा इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं जैसे कि 510 और बानवे का अगर हमें एल्सियम निकालना है तो 510 के गुणनखंड कर लेंगे जैसे पहले किए थे हमने ठीक है तो 510 के गुणनखंड हमारे आ जाएंगे दो गुणा तीन गुणा पांच गुणा सत्रह अब हम बानवे के गुणनखंड कर लेंगे जैसे एससीएफ के लिए किए थे हमने ठीक है तो ये आ जाएंगे हमारे दो गुणा दो गुणा तेईस ठीक है अब दो गुणा दो गुणा तेईस को हम क्या लिख सकते हैं दो की घात दो गुणा तेईस ठीक है अब देखिए एल्सियम क्या होगा प्रत्येक आवाज गुणाखंड उभयनिष्ठ की बात नहीं हो रही प्रत्येक आवाज गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल ठीक है तो कौन कौन से अभाज्य खंड है दोनों में दो है तीन है पांच है सत्रह है और तेईस है दो की सबसे बड़ी घात क्या है दो तो हम लिख देंगे दो की घात दो तीन की सबसे बड़ी घात क्या है दोनों में एक तो तीन ती हो गया पांच की सबसे बड़ी घात क्या है एक तो पांच हो गया सत्रह की सबसे बड़ी घात क्या है एक तो सत्रह हो गया और तेईस की सबसे बड़ी घात क्या है एक तो हो गया तेईस अब इसको गुणा कर लेंगे ठीक है तो हमारा एलसीएम आ जाएगा तेईस या चार सौ साठ तो इस तरह हम एलसीएम निकालते हैं ठीक है प्रत्येक आवाज गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल निकाल लेते हैं तो हमें एल्सियम प्राप्त हो जाता है ठीक है तो इस तरह के प्रश्नों को हम प्रश्नावली दशमलव दो में हल करेंगे तो हम एक एलसीएम और एचसीएफ के गुण के बारे में पढ़ लेते हैं जिस जिसका उपयोग हमें प्रश्नावली एक दशमलव दो के प्रश्नों को हल करने में करना होगा ठीक है क्या गुण है वो किन्हीं दो धनात्मक ठीक है याद रखिए दो धनात्मक पूर्णांक ए बी का गुणनफल उन दोनों धनात्मक पूर्णांक और बी के एस सी एफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है ठीक तो है तो अगर ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो ए गुणा भी कितना होगा ए बी का एस सी एफ गुणा ए ओबी का एलसीएम ठीक है तो इसको याद रखिएगा ये बहुत काम आएगा आपके एक उदाहरण से समझ लेते हैं पांच सौ दस सौ बारह में वही उदाहरण ले लिया हमने जो एस सी एफ एलसीएम के लिए लिया था तो एस सी एफ आया था हमारा दो एलसीएम आया था हमारा तेईस या चार सौ साठ तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा ए कितना है पांच सौ दस बी है बान्वे. तो पांच सौ दस गुणा बानवे आप निकालेंगे तो आएगा छियानवे हजार नौ सौ बीस अब एस सी एफ और एलसीएम का गुणा करेंगे तो एस सी एफ है दो एलसीएम है तेईस हजार चार सौ साठ तो ये भी आ गया हमारा छियालीस हजार नौ सौ बीस तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल हमारा किसके बराबर आ रहा है एस सी एफ गुणा एलसीएम के तो आप याद रखिएगा ये गुण है एलसीएम और एस सी एफ का दो द, दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए तीन के लिए नहीं है सिर्फ दो के लिए के कि के के है। है? तो बहुत से प्रश्न हल होंगे एक दशमलव तीन क्रमे एक दशमलव तीन कहती है मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है और अगर p जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p जो है a को भी विभाजित करेगी जहां एक ए जो है एक धनात्मक पूर्णांक है ठीक है तो इस प्रमेय को जो है हम अलग से आ, आ, इसको इसको हल करेंगे इसको सिद्ध करेंगे इसका हमारा अलग से वीडियो है प्रमेय एक दशमलव तीन का और सभी प्रमेय का ठीक है तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस प्रमेय को हम कैसे हल करेंगे अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि पी एक अभाज्य संख्या है और अगर पी ए के वर्ग को विभाजित करती है तो पी जो है ए को भी विभाजित करेगी ठीक है प्रमेय एक दशमलव तीन का बहुत उपयोग होगा आपकी प्रश्नावली एक दशमलव तीन के प्रश्नों को हल करने में प्रमेय एक दशमलव चार प्रमे एक दशमलव चार कहती है अंडर रूट दो जो है वो एक अपरिमेय संख्या है ठीक है प्रमेय एक दशमलव चार को हमने हमारी प्रमेय एक दशमलव चार के वीडियो में सिद्ध किया है तो आप हमारी प्रमेय एक दशमलव चार का वीडियो अवश्य देखें या सभी प्रमेय के वीडियो में भी आपको इसका सिद्ध मिल जाएगा इसकी उत्पत्ति मिल जाएगी ठीक है इस तरह की प्रमेय को देखने के बाद आप प्रश्नावली दशमलव तीन को हल करेंगे तो आपको प्रश्नों को हल करने में बहुत आसानी आएगी दशमलव पांच ठीक है प्रमेय दशमलव पांच का भी हमारा हम उदाहरण से तो हम समझा है।, एक एक है, है।, एक एक, एक, एक है और उसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है ठीक है तो एक्स को हम और क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि एक्स क्या है परिमय संख्या है तो एक्स को और क्यू के रूप में तो व्यक्त कर ही सकते हैं ठीक है और ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है ठीक है ये हमें दिया गया है ठीक है और यहाँ पर पीओर क्यू क्या पीओर क्यू क्या होंगे सह अभाज्य अबा, सह सह का मतलब होता है दोस्तों कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ठीक है मतलब कुछ भी कटेगा नहीं ठीक है जैसे कि तीन बटे सात ठीक है इत्यादि मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा ठीक कुछ भी मतलब सब कुछ काट पीटने के बाद हमें पी और क्यू मिलेंगे ठीक है तो और क्यू क्या है हमारे सह अभाज्य सह अभाज्य के बारे में भी आप जान लीजिए सहभाज्य होता है कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उभयनिष्ठ ना हो ठीक है तो ऐसे रूप ऐसे केस में क्या होगा क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो दो की घात एन गुणा पांच की घात एम के रूप का होगा ठीक है अब इसको दोबारा से देखिए ठीक एक है एक्स एक परिमेय संख्या है परिमेय संख्या तो बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत है ठीक है तो Q के जो गुणनखंड होंगे वो दो गुणा एन दो की घात एन

कुछ हो सकता है शून्य भी हो सकती है एक दो तीन कुछ भी और पांच की घात भी शून्य भी हो सकती है कुछ भी हो सकती है एक दो तीन भी हो सकती है लेकिन इन दोनों के अलावा उसकी कोई आवाज गुणनखंड नहीं होंगे के ठीक है ये प्रमेय एक दशमलव पांच कहती है दोस्तों प्रमेय अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमें हमने इसको उदाहरण से समझाया हुआ है ठीक है आ, पर हम यहाँ पर बेसिक बेसिक समझ लेते हैं कि प्रमेय एक दशमलव छह कहती क्या है प्रमेय एक दशमलव छह जो है दोस्तों प्रमेय एक दशमलव पांच का विलोम है एक क्या कहती है मान लीजिए परिमेय संख्या है ठीक है जहां पर कॉमन मतलब नहीं है कुछ भी नहीं है ठीक है हमें मिल जाते हैं दो की घात n और पांच की घात एन ठीक है इसका मतलब क्या है कि? के अभाज्य गुणनखंड और कोई रूप में नहीं होंगे मतलब दो की घात के रूप में होंगे या पांच की घात के रूप में होंगे या दोनों की घात के रूप में होंगे और कुछ नहीं होंगे तीन सात इत्यादि ग्यारह तेरह कुछ नहीं होगा ठीक है सिर्फ दो की घात और पांच की घात के रूप में अगर है यहाँ पर एन और एम क्या पूर्णांक मतलब की एन और एम की संख्या शून्य या शून्य से अधिक है ठीक है तो अगर ऐसा है क्योंकि अभाज्य गुणनखंड अगर हमें दो की घात एन या और पांच की घात एम ठीक है इस रूप में मिलते हैं तो हम कह सकते हैं x का जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा शांत होगा ठीक है तब हम ऐसा कह पाएंगे प्रमेय एक दशमलव पांच में बिल्कुल इसका उल्टा था हमें एक्स का दशमलव प्रसार शांत दिया हुआ था तब हम कह रहे थे कि अगर एक्स का दशमलव प्रसार शांत है तो क्यू के गुणनखंड इस रूप में होंगे ठीक है और प्रमेय एक दशमलव छह में हम कह रहे हैं कि क्यू के आवाज गुणनखंड दो की घात एन और पांच की घात एम के रूप में है तो हम कह पा रहे हैं कि फिर एक्स का दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा ठीक है तो एक दशमलव पांच और एक दशमलव छह प्रमे एक दूसरे का विलोम है प्रमेय एक दशमलव दोस्तों इसका हमारा लक्ष्य वीडियो भी है जिसमें हमने इसको उदाहरण के साथ समझाया है ठीक है और सभी प्रमेय में भी आपको प्रमेय मिल जाएगी प्रमे एक दशमलव परिमेय संख्या है ठीक है एक्स हमारी एक परिमेय संख्या है यहाँ पर पी और क्यू है ठीक है और अगर क्यू का अभाज्य गुणनखंड करना पे दो की घात एन और पांच की घात एम के रूप में नहीं है नहीं को देखिए यहाँ पर नहीं है इस रूप में नहीं है ठीक है जहां पर एन और एम जो है ऋणेतर पूर्णांक पूर्णां का मतलब होता है कि वो शून्य या उससे अधिक है ठीक है ऋण नहीं है ठीक है एन का जो मान एन और एम का मान है शून्य या उससे अधिक होगा ठीक है तो ऐसे केस में क्या होगा एक्स का जो दशमलव प्रसार आएगा वो क्या होगा अशांत आवर्ती होगा ठीक है अगर क्योंकि अभाज्य गुणनखंड दो की घात एन और पांच की घात एम के रूप में नहीं है मतलब उनमें कोई और भी गुणनखंड है जैसे कि तीन सात ग्यारह तेरह इत्यादि इत्यादि मतलब दो और पांच के अलावा भी गुणनखंड है क्यू क्यू के ठीक तो है तो एक्स का दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा और आवर्ती होगा ठीक है क्योंकि एक्स क्या एक परिमय संख्या है तो आवर्ती तो होगा ही होगा ठीक है अगर अशांत है तो ठीक है तो एक्स का दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत आवर्ती होगा दोस्तों यही है हमारे अध्याय एक के परिचय में अब आप, आप हमारे अध्याय एक के प्रमेय के वीडियोस को देखें और अध्याय एक के प्रश्नावलियों के सभी प्रश्नों के वीडियो अवश्य देखें उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सके धन्यवाद दोस्तों